जय हिंद साथियों। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सिला टनल के बारे में। दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश का बहुत ही गौरवशाली प्रोजेक्ट है। इसका नाम सिला टनल है और सिला टनल अरुणाचल प्रदेश की जो आसाम से लेकर तवांग तक का हिस्सा है, उस सड़क को जोड़ती है और उसमें जो पहाड़ी एरिया आता है दोस्तों, तो उसको काट कर एक जो डेढ़ किलोमीटर के समथिंग एक टनल बनाई गई है, इसका नाम सिला टनल है। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण इस टनल की बात यह है कि किसी भी मौसम में, चाहे तो आपकी सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, 12 महीने ये चालू रहेगी। इसीलिए ये सेना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि किसी भी रणनीतिक परिस्थिति में ये हमारे बहुत काम आएगी। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसी ऐसा कोई वजह आ जाती है, ऐसा कोई ओकेजन आ जाता है, तो ये सिला टनल हमें बहुत लाभ देगी। दोस्तों, ये काफ़ी हाइट पर है, लगभग 13,000 की फीट की ऊंचाई पर है और ये चीन के बिल्कुल सटे हुए तवांग जो शहर है, तवांग शहर से के लिए नज़दीकी, सबसे नज़दीकी रास्ता है और यह तवांग के लिए लगभग 1 घंटे में तवांग को पहुँचा सकती है। दोस्तों, इसीलिए चीन बौखलाया हुआ है, क्योंकि भारत ने ऐसे ऐसे गौरवशाली प्रोजेक्ट चाइना बॉर्डर पर बनाए हैं इन बीते सालों में। तो दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको एक और बता देता हूं कि जो तवांग से लेकर विजयनगर तक, जो कि चाइना बॉर्डर से सटकर है, एक हाईवे बनाया हुआ है जो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी रणनीतिक कंडीशन, किसी भी युद्ध की परिस्थिति में हमें ये हाईवे और ये टनल दोनों ही बहुत लाभ देंगी। तो दोस्तों, जो पहले जो भारत था, अब वो भारत नहीं रहा है, तो चाइना को अपना रवैया बदलना पड़ेगा। और चाइना जो हरकतें कर रहा है, हमारे भारत के नाम चेंज कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश की कई जगहों के नाम चेंज कर रहा है, इससे वो क्या साबित करना चाह रहा है? भारत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई, तुम दुश्मन देश हो, अगर हमारे क्षेत्र के नाम बदल रहे हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो इस बात से पड़ता है कि भारत की जनता क्या सोचती है, हमारे देशवासी क्या सोचते हैं। तो दोस्तों, ये जो मैंने टॉपिक बनाया है सिला टनल को लेके, अरुणाचल प्रदेश को लेके, मुझे लगता है वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि ये भारत की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा था। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताएँ, और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि सिला टनल और अरुणाचल प्रदेश को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या विचार हैं। दोस्तों, अब हमारा भारत काफ़ी बहुत मजबूत होता जा रहा है और इकोनॉमिक रूप से भी काफ़ी मजबूत होता जा रहा है। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।